हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेल। तो देखिए, पिछली क्लासेस में हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेइंग द नंबर्स। देखिए, इसे हम बाद में आपको कराएंगे। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हमारे इंटीजर या रेशनल नंबर के साथ कोई वेरिएबल भी आ जाता है तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे -3x या -4/7 4/7y2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये इंटीजर के साथ एक वेरिएबल आ गया या एक रेशनल नंबर के साथ वेरिएबल आ गया, और ये क्या है, ये मोनोमियल टर्म है जिसमें एक ही टर्म होती है। देखिए, इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये मोनोमियल ही रहेगी, लेकिन टर्म कब चेंज होगी? जब प्लस या माइनस होगा। जैसे इसमें +7 कर दें तो ये बायोनोमियल, यानी दो टर्म हो गई। इसमें +z -5 तो ये ट्राइनोमियल टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वो है एक्सरसाइज, उसमें है मोनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए, आपने ये सब किया है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, लेकिन वेरिएबल को वेरिएबल से। अगर देखिए, दोनों सेम वेरिएबल हैं, x^m × x^n, तो इसमें क्या होगा, x^m + n, यानी जैसे x^3 × x^2, तो ये हो जाएगा x^5। अगर ये है x × x, तो यहाँ पे देखिए एक पावर है, 1 पावर यहाँ पे शो नहीं की जाती है, जिस पे पावर नहीं है वो 1 ही है। यहाँ 2 से शो करते हैं, जब पावर 2 हो, यानी x²(x^3) इस तरह शो होगा, तो 1 और 1 x²। और डिवाइड में क्या होगा, x^m/x^n, यानी एक, या ऐसे लिखें x^m/x^n, तो ये होगा x^m−n, यानी होगा m−n। जैसे x^7/x^3, तो ये हो जाएगा x^7−3 = x^4। ओके, तो इस तरह से वेरिएबल को, लेकिन केवल सेम वेरिएबल में होगा। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तब ये पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 94, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। देखिए, ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, xy इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -3xy/4 से। ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी होगा, सबसे पहले आएगा -3/4, x^1 x^1 x²(y^1 y^1 y²। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट, 4m² / 8 into -2n² / 6 into l² / 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। अब देखिए -1, जब हमारे मल्टीप्लाई में 1 टाइम होता है या 3 टाइम या कहिए ऑड टाइम मल्टीप्लाई आता है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इवन टाइम यानी 2 बार 4 बार माइनस आता है मल्टीप्लाई में तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा m माइनस आए, 1 टाइम ये केवल, तो -m(m²)n²(l²)/6, 5 = 30। थर्ड पार्ट देखिए, 8x³(y³)×0। 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 0 कर देगा, और
अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये 0.3p, 0.3p इंटू माइनस 1.5q इंटू 2.6 r². देखिए पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और देखिए ये हो जाएगा 0.45 और 0.45 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1.17 और p की अकेली पावर है तो p q r² दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है एक क्यूबॉइड की और आपसे वॉल्यूम पूछा है। देखिए लेंथ है 2ab, ब्रेथ है 3ac और हाइट है 2ac। आपको वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा, क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये होगा लेंथ है 2ab इंटू 3ac इंटू हाइट है 2ac, तो 2 × 3 = 6 × 12, ए की दोबारा ए की पावर 2, बी सिंगल टाइम है बी, सी 2 टाइम है तो सी की पावर 2, तो इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट ये, फाइंड द सरकमफ्रांस। देखिए सरकमफ्रांस आपको कैलकुलेट करनी है, हुज रेडियस, देखिए रेडियस कितना है 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac, 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac, तो यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं आप, तो हो जाएगी ab माइनस bc माइनस 2ac, यानी 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से इसको, तो ये 7ab हो जाएगा, ये 7bc और ये 14ac, तो सरकमफ्रांस निकालना है आपको। सरकमफ्रांस होता है 2πr 2πr अपॉन, देखिए सरकमफ्रांस जो होगा वो कितना होगा 2πr और 2, पाई की वैल्यू है 22/7 और इंटू आर की वैल्यू क्या है 7ab माइनस bc माइनस 2ac, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 44ab माइनस bc माइनस 2ac। देखिए किसी सर्कल की सरकमफ्रांस होती है 2πr, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आप दोनों रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये a = -3 और b = 1/2 और c = -4। तो चलिए एक पार्ट हम कर रहे हैं, एक आप खुद करेंगे, तो इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो ये है -3b
अपॉन 9 इंटू 4c स्क्वायर अपॉन 7। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू b की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 9 इंटू b की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 7 और c की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर 3 जा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 जा 6 और ये हो जाएगा 4 इंटू 16 अपॉन -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, ठीक है ये आएगा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जा 4 3 जा, तो ये आएगा 16 2 जा 32, 32 को -1 से मल्टीप्लाई -32 अपॉन 3 7 जा 21। ओके इसी तरह आप फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का, देखिए यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट का आप प्रोडक्ट कर सकते हैं 2x स्क्वायर वाई को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट, ये है 9l स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 3m स्क्वायर अपॉन 8 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एन स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। इसी तरह आप जैसे हम इसको सेकंड पार्ट को कर रहे हैं इसी तरह आप फर्स्ट पार्ट को करेंगे, एन स्क्वायर अपॉन 6 इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड टर्म को भी, तो ये हो जाएगा 9l स्क्वायर अपॉन 11 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3m स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 6। तो जिस तरह आपने रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 या 3 जा 6, तो ये हो जाएगा क्या 3l स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 11 टू जा 22 प्लस 3 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 जा और ये हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 8 जा 16। ओके यस, इसी तरह आपको फर्स्ट पार्ट को करना है। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन 4th का, देखिए थर्ड पार्ट है 0.1x को मल्टीप्लाई करना है किससे 0.29 वाई स्क्वायर प्लस 0.3 वाई जेड प्लस 0.6 जेड एक्स। तो देखिए ये टर्म्स तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगी, उसी तरह ये अदर पार्ट्स भी आप करेंगे जो आपको, ठीक है। तो 0.1x इंटू 0.29 वाई स्क्वायर प्लस, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1x इंटू 0.3 वाई जेड प्लस 0.1x इंटू 0.6 जेड एक्स। तो डेसिमल को आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल और एक लेफ्ट हैंड चला जाएगा एक प्लेस, तो ये जाएगा 0.29। यहाँ जीरो लगा सकते हैं, एक्स है और वाई स्क्वायर प्लस ये एक प्लेस ऑफ लेफ्ट हैंड जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 0.03 वाई जेड प्लस ये भी वन प्लेस लेफ्ट हैंड 0.06 जेड और एक्स टू टाइम है तो एक्स स्क्वायर।
तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर लाइक टर्म है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, अगर लाइक टर्म नहीं है तो उनकी पावर ऐड नहीं होंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। तो क्वेश्चन 1 से 4 तक हमने सोल्व किया है और इसे ध्यान से देख के आपको प्रोडक्ट को समझना है। ओके, गुड बाय।